नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डिसेंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है 1 अप्रैल का मेजर हाईलाइट्स देख लेंगे गाइस डेली करंट अफेयर्स में। तो उससे पहले हम लोग जो कल क्वेश्चन किया था आपसे, जो है 7th वुमेन साइंस कांग्रेस इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ है, तो उसका राइट आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर में हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज 1 अप्रैल का, लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। राजस्थान का फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहाँ पे है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर या नन? तो आपको इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो चलो देख लेते हैं आज का जो 1 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन मिथाली राज जो है उनको मिल गया है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। और जो एस सटलर किदंबी श्रीकांत एंड पीवी सिंधु है उनको मिला है बेस्ट सीनियर मेल एंड फीमेल एथलीट कहाँ पे, तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन एनुअल अवार्ड फॉर 2017 इन हैदराबाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन शूटर मुस्कान वनवाला उनको मिल गया है गोल्ड मेडल वुमेन्स 25th मीटर पिस्टल इवेंट में ISF जूनियर वर्ल्ड कप इन सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ये जो मुस्कान जी हैं वो चाइना किंग सियांग एंड थाईलैंड कैनोक्रिम को हरा के बनी है, ठीक है। और इंडिया जो है ये आउटस्टेट कर दिए चाइना को 22 मेडल के साथ, मतलब नंबर 1 पोजीशन में है इंडिया, जिसमें 9 गोल्ड है। इंडिया को 5 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। और मुस्कान को जो मेडल मिला है वो इंडिया का 4th इंडिविजुअल गोल्ड इन द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में है। अच्छा ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है गाइस। तमिल फिल्म डायरेक्टर सीवी राजेंद्रन उनका देहांत हो चुका है, तो आपको पूछ सकता है जो सीवी राजेंद्रन उनका क्या था प्रोफेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिज़र्व बैंक के लेके, देखो जो है रिज़र्व बैंक का 83rd इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया जा रहा है। और ये प्राइमरी रेगुलेटर है इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर का। RBI जो सेटअप हुआ था ये आपको ज़रूर जानना चाहिए, दैट इज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, हिल्टन यंग कमीशन जो भी बोला जाता था। रिज़र्व बैंक स्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 इन प्रोविजन ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिज़र्व बैंक वो इनिशियली कैलकाटा में था, बट परमानेंटली वो मूव हो गया मुंबई में, कौन से ईयर में, 1937 में। और द सेंट्रल ऑफिस वेयर द गवर्नर सीट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेट, सेंट्रल ऑफिस जो होता है जहाँ पे गवर्नर बैठते हैं, मतलब मुंबई में गवर्नर बैठे हैं और वहाँ पे जो है पॉलिसीज बनती है। दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन 1949, पहले तो ये प्राइवेटली ओन ही था, बट नेशनलाइजेशन 1949 में होने के बाद उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ओन्ड है। तो सो मेनी थिंग्स जो आपको याद रखना है रिज़र्व बैंक के ऊपर, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं गाइस बैंक में। तो ज़रूर देखिए, डेली फॉलो कीजिए करंट अफेयर्स को, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे सर करंट अफेयर्स का आपका जो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बैंक हो रेल हो सभी में आपको फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि क्या हो जाता है, आप कर तो लोगे मैथ्स बैंक में, एग्ज़ाम में क्या होता है आप मैथ्स कर लेते हो, रीजनिंग कर लेते हो, अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो लेकिन आप जो है ख़राब हो जाता है आपका GS पोर्शन में। अगर आप डेली ये करंट अफेयर्स देखोगे तो आपका GS पोर्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस करना ज़रूरी है, वो कोई भी एक अरिहंत का बुक आता है वो उससे आप कर सकते हो। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।